दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार दूसरे दिन ही 7 विकेट से महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया और श्रृंखला को बराबरी पर समाप्त किया। मगर भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद अब पाकिस्तानी दिग्गजों के बड़े बयान सामने निकल कर आए हैं और सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों में शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम और फिर इंजमाम उलक ने अपने बड़े रिएक्शन देकर क्या कुछ कहा है भारतीय टीम के बारे में, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजी के बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मगर उसके पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम अगर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ती है तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला शानदार तरीके से समाप्त हो गई है, जिसके दूसरे टेस्ट महामुकाबले में 3 जनवरी से जब मुकाबला शुरू हुआ तो अफ्रीका के कप्तान ने कैप टाउन में पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मगर भारतीय गेंदबाजी का कमाल यह था कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार के सामने कोई नहीं चल पाया और पूरी भारतीय टीम ने अफ्रीका को पहली पारी में 55 रन पर ऑल आउट कर दिया था, जहां भारतीय टीम के मोहम्मद सिराज ने शानदार 6 विकेट लिए थे जबकि बुमराह और मुकेश को 2-2 विकेट नाम रहे थे। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम भी पहले ही दिन फिसड्डी साबित हुई और महज 153 रन पर ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा ने जहां 50 गेंदों में 39 रन बनाए थे, शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 36 और विराट कोहली ने 59 गेंदों में 40 रन की पारी खेली थी, कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास भी नहीं कर पाया था। हालांकि भारतीय टीम ने शानदार 98 रन की बढ़त बना ली थी, जिसके जवाब में उतरी अफ्रीका टीम दूसरी पारी में 176 रन बना पाई। एडन मार्करम ने 106 रन की पारी खेली, कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने इस महामुकाबले में दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, मुकेश कुमार के हाथ 2, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिले। जवाब में अफ्रीका ने 79 रन बढ़त बनाई थी। 80 रन के टारगेट को भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसे हासिल कर लिए जैसे कि मजाक हो। T20 की तरह क्रिकेट खेलते हुए महज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने 3 विकेट को कर लिया है स्कोर अपने नाम कर लिया। सचिन जायसवाल ने 23 गेंदों में 28 रन ठोके थे। रोहित शर्मा ने 9/17, गिल के 10 और विराट कोहली के 12 रन शामिल रहे। इन पारियों के बदलत भारतीय टीम ने 7 विकेट से इस महामुकाबले को जीता ही जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में भी अपनी शानदार बढ़त बना लिया और इसके अलावा 2 दिन में यह महामुकाबला समाप्त करके विश्व क्रिकेट में पहली बार ऐसा कारनामा किया है। तो भारतीय टीम ने बराबरी पर श्रृंखला को समाप्त किया। इसके बाद अब पाकिस्तानी दिग्गज भी भारतीय टीम की इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले उनके दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है, अफ्रीकाई पिचों पर अफ्रीका को मात दे पाना लगभग असंभव होता है। पिछले महामुकाबले में जब हमने देखा था भारतीय टीम एक तरफा फिसलती हुई नजर आई थी, बल्लेबाजी तो चल ही नहीं रही थी, गेंदबाजी का पता नहीं था। उनके तेज गेंदबाज ऐसे लग रहे थे जिनको हम विश्व कप में टॉप मान रहे थे वो फ्लॉप साबित हुए थे। लग नहीं रहा था भारतीय टीम वापसी करेगी, मगर दूसरे टेस्ट में जिस तरीके से बुमराह और सिराज ने गेंदबाजी की है, उनकी गेंदबाजी ने जिस तरीके से बैलेंस दिखाया है, तो यह महामुकाबला पूरा गेंदबाजी के दम पर जीता गया है और इससे साबित होता है भारतीय टीम एक बड़ी टीम है और बलटवार करना जानती है। भारतीय टीम को अंडरएस्टिमेट करना अफ्रीका टीम को बहुत भारी पड़ गया है। अपनी सरजमीन पर इस तरीके से 2 दिन में मुकाबला हारना किसी शर्मनाक बात से कम नहीं होती है, मगर मैं जानता हूँ अफ्रीका टीम भी मजबूत टीम है। उसने जो प्रदर्शन किया है उसमें भी कमी नहीं थी, वो तो भारतीय गेंदबाजों की मजबूती थी। खासकर बुमराह और सिराज की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्हें अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित की कप्तानी भी सराहनीय रही है। दोस्तों शोएब अख्तर के बाद फिर उनके खतरनाक खिलाड़ी वसीम अकरम ने अपना बड़ा बयान दिया। वसीम अकरम ने अपने बड़े बयान में कहा है कि भारतीय टीम एक महान टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले टेस्ट में जिस तरीके से बुरी तरीके से भारतीय टीम 3 दिन में हार गई थी, उसके बाद लग रहा था कि दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम अच्छी खासी टक्कर तो नहीं दे पाएगी, मगर टक्कर तो उसकी बात है, अफ्रीका टीम को एक तरफा 2 दिन में हरा दिया। मुझे याद है आज तक क्रिकेट इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ 2 दिन में टेस्ट समाप्त हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वह लाजवाब रहा है। रोहित शर्मा ने अपना जो खेलने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। विश्व कप से वह हाई स्ट्राइक रेट के साथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहा है और एक ब्रांड क्रिकेट खेल रहा है, तो वह कहीं ना कहीं अच्छी बात है। वह अपनी कप्तानी में बदलाव नहीं करता और अपनी कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है। भारतीय टीम ने जिस तरीके से गेंदबाजी बल्लेबाजी में एक बैलेंस से इस महामुकाबले को जीता है वह सराहनीय नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की भारतीय टीम मुख्य दावेदार है। अफ्रीका को जब उसके देश में हरा दिया है तो अब विश्व के किसी भी देश में किसी को हराना कोई असंभव बात नहीं है। बाकी आगे देखा जाएगा क्या भारतीय टीम कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है या फिर नहीं। दोस्तों वसीम अकरम के इस रिएक्शन के बाद उनके खतरनाक खिलाड़ी इंजमाम उलक जो कि पूर्व कप्तान है उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम एक अच्छी टीम है और जिस तरीके से पहले टेस्ट में हारी थी उसके बाद सभी ने उसका विरोध किया था, मगर मुझे पता था भारतीय टीम वापसी कर सकती है। मेरे अगर पुराने बयानों पर ध्यान दिया जाए तो मैं मानता हूं भारतीय टीम एक बड़ी टीम है और उसके जो क्रिकेटर्स के अंदर जो कंसिस्टेंसी है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उस पर शक करना सरासर गलत होगा। भले ही 1-2 टेस्ट महामुकाबले हार जाए तो आप उस टीम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं जिसने की 2 बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू में ही 2 बार फाइनल में पहुंची है, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। पूरी बड़ी टीम खेल रही है, कोहली, रोहित जैसे उनके पास महान खिलाड़ी है। गेंदबाजी में बुमराह, सिराज,
जैसे खिलाड़ी और अभी शमी की वापसी नहीं हुई थी, तो ऐसे में भारतीय टीम को कमजोर समझना अफ्रीका को भारी पड़ा है। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, और इसमें भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है वह लाजवाब रहा है, और कहीं ना कहीं यही प्रदर्शन हुआ आगे करती जाएगी। और अब तो पांच में जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अपने देश में खेली है, तो जहां तो हुआ है अच्छा प्रदर्शन करके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की मुख्य उम्मीदवार नजर आ रही है। और मैं जानता हूं भारतीय टीम के सामने अगर पाकिस्तान भिड़ेगी तो मुश्किल है पाकिस्तान का जीतना। दोस्तों यह तो पाकिस्तानी दिग्गजों के हैं, तो आपको क्या लगता है अगर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी टेस्ट में कौन जीतेगा, भारतीय टीम या पाकिस्तान? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।